आज की वीडियो फिर से एक रिव्यू वीडियो होने वाली है एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एन बाई बेस स्किनफिडेंट फेस सीरम स्कीम। मेरे पास टोटल 7 फेस सीरम्स है फॉर डिफरेंट स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वीडियो देखने के बाद आप आपके प्रॉब्लम के हिसाब से फेस सीरम चूज कर लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं एन बाई बेस की कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी एक्चुअली। तो ये अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बट वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। purple.com पे द ग्रैंड एलिडे सेल चल रही है, तो ज़रूर एक बार वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांड्स पे आप लोगों को ऑफर्स मिल जाएगी। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हो कि दी एलिट मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या है या फिर हम लोग को क्यों एलिट मेंबरशिप लेनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। purple.com पे आप लोगों को 2 टाइप्स की एलिट मेंबरशिप मिल जाएगी, एक है पर्पल एलिट एंड दूसरा है पर्पल एलिट प्लस, दोनों ही 1 ईयर के लिए है। पर्पल एलिट की प्राइस है ₹299 एंड पर्पल एलिट प्लस की प्राइस है ₹499। बट जैसे कि आप लोग जानते हो कि एलिट डे सेल चल रही है, तो इसलिए पर्पल एलिट की करंट प्राइस है ₹179 एंड पर्पल एलिट प्लस के करंट प्राइस है ₹349। तो अभी बेनिफिट्स देख लेते हैं। आप लोगों को फ्री शिपिंग मिल जाएगी, एक्सक्लूसिव डील्स आप लोगों को मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिट मेंबर्स के लिए होगी, प्रायोरिटी सपोर्ट आपको मिलेगी, हैसल फ्री रिफंड आपको मिल जाएगी अप टू 3 times इन अ ईयर, माइलस्टोन रिवॉर्ड्स हैं एंड अनलिमिटेड फ्री शिपिंग एंड अनलिमिटेड फ्री कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ एलिट प्लस मेंबर्स के लिए होगी। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जो एलिट प्लस है वही लीजिएगा बिकॉज उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा है एंड आप लोगों को डील्स भी ज़्यादा मिलेगी। सो ये दैट्स ऑल, चलिए अभी रिव्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सीरम से वैसे कार्डबोर्ड की पैकेट में आती है, इनके प्राइसेस जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। लाइक कुछ सीरम्स 175 रुपीज़ के हैं तो कुछ सीरम्स 235 रुपीज़ के हैं एंड इसमें आपको 10 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाती है एंड 2 years की सेल्फ लाइफ भी है। इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन है तो आप लोग देख ही सकते हैं कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है एंड ये पैराबिन फ्री है एंड जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे दिखती है। फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल में आती है विद अ पंप, बट आपको जब प्रोडक्ट रिसीव होगी उसके साथ आपको ऐसे कैप मिले तो इसको रिमूव करके आपको पंप यूज कर लेनी है। सो या दैट्स ऑल, चलिए अभी रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये एन वाई बेस्ट कॉन्फिडेंट इल्यूमिनेटिंग एस 5th Avenue लाइट शो फेस सीरम ऑयल बेस्ड विद लिक्वराइज। ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, ये कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है एंड एक्ने स्पॉट्स को लाइटन करती है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख ही सकते हैं, क्विकली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाती है एंड स्किन को डीपली हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करती है। एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग पे बता देती हूँ ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ये सारे सीरम्स क्विकली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाती है एंड अब्जॉर्ब होने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगती है। नेक्स्ट है एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट इल्यूमिनेटिंग एस 5th Avenue लाइट शो फेस सीरम वाटर बेस्ड विथ लिक्वराइज। ये ऑयली स्किन के लिए है तो इसलिए वाटर बेस्ड है, ये भी कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है एंड एक्ने स्पॉट्स को रिमूव करती है। स्पेशली ये वाले सीरम के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये वाटर बेस्ड है तो इसलिए अगर आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करके फिर इसको स्प्रेड करते हो देन प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगी, इसलिए आप इसको आपके पहले हाथों पे लेके फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट फ्रेश एस ब्रॉडवे आर्ट स्किन प्यूरिफाइंग फेस सीरम विथ सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री। इसमें सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री है तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, इसमें एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ है एंड ये ब्लैक हेड्स को भी प्रिवेंट करती है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर एंड जेल मिक्सड वाली कंसिस्टेंसी है, अगेन क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे। फिर है ये एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट हाइड्रेटिंग एज हडसन रिवर फेस सीरम विथ हायलुरोनिक एसिड एंड एवोकाडो ऑयल। ये कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, मॉइस्चराइज लेवल को इंक्रीज करती है एंड स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है। इसकी कंसिस्टेंसी भी जेल एंड वाटर मिक्स कंसिस्टेंसी। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें है हायलुरोनिक एसिड, एवोकाडो ऑयल, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मैट्रिक्स 3000 है। नेक्स्ट है एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट फ्लॉलेस एज ग्रैंड सेंट्रल फेस सीरम विथ मल्टीविटामिन्स। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, एक्ने स्पॉट्स को लाइटन करती है एंड स्किन टोन को इवन आउट करती है। इसमें सिट्रिक एसिड भी है जो कि ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये वाले जो सीरम है ये सारे स्किन टाइप्स के पीपल यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम बेस्ड है, यानी कि ये क्रीम बेस्ड सीरम है।
नेक्स्ट है ये एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट मैजिकल एस टाइम स्क्वायर फेस सीरम विथ हायलुरोनिक एसिड। ये स्किन की हाइड्रेशन को बूस्ट करती है, फाइन लाइन्स को स्मूदन करती है एंड एज स्पॉट्स को लाइटन करती है। बेसिकली ये एक एंटी एजिंग सीरम है, इसमें मिल्क प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन भी है। एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी भी सीरम लाइक फेस सीरम को यूज़ करके आपको डायरेक्टली सनलाइट में बाहर नहीं जाना है। लास्ट है ये एन वाई बेस्ट स्किनफिडेंट मैजिकल एस टाइम स्क्वायर फेस सीरम विद सैलिसिलिक एसिड। ये क्लॉक पोर्स को क्लियर करती है, एक्ने को प्रिवेंट करती है एंड स्किन को सॉफ्टन करती है। इसमें हाइड्रोजल्ड राइस प्रोटीन, हाइड्रोजल्ड पी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन एंड सैलिसिलिक एसिड है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे बोला था कि ये सारे सीरम स्किन पे क्विकली अब्जॉर्ब हो जाती है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप इन सीरम्स को ट्राई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको सीरम चूज़ करनी होगी।